ऐसे काली वाली जो मुर्गी दिख रही है ना, ये मेरे को इसने जानना शुरू कर दिया भाई। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे पीछे पीछे आती है। इसको ये लगता है कि मैं कुछ नया खाना लाया हूँ शायद, इसलिए मेरे पीछे आती है बार बार। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने चूजों का ध्यान रखता हूँ और उनके लिए क्या क्या चीजें मैं देता हूँ। बाकी उनका साइज कितना हो गया है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी हमारी ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन एक हमारा दूसरा काले वाला है ना, ये मुझे लग रहा है ना शायद से बीमार है, क्योंकि देखो उसके पंख झड़ने वाले हैं। और हाँ, आपने भाई बहुत सारी कमेंट करी हमारे बिल्ले के लिए। वो बिल्ला मेरे पास नहीं है, उसको मैंने ऐसे बंदे को दे दिया जिसके पास पहले से ही एक और बिल्ला है। तो इसी डब्बे में मैं इसको लेके गया था भाई। मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि मैंने वो दे दिया, लेकिन भाई मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखना चाहता जो अकेला हो। लेकिन हाँ, जिसके पास अब वो गया है तो पहले से ज़्यादा खुश रहने वाला है वो। बाकी थैंक यू यार इतनी सारी कमेंट के लिए। तो अभी है भाई हमारा सुबह का दिन, और सुबह सुबह भाई बंदर आ रहे हैं छत पे। सच में यहाँ पर बंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर चूजे हैं। और बंदर भाई निकल ले तू यहाँ से, ये डंडे से बहुत पीटने वाला हूँ। और ये देखो शायद से दिख नहीं रहा होगा, पेड़ों पर भी भाई बंदर इतने ज़्यादा आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बंदर आ रहे हैं। वो शायद से जा रहा है, जा रहे हैं भाई बंदर। चलो ठीक है भाई, बंदर गए। ओके, खाने में तो मैंने इनको दलिया दिया है, लेकिन भाई इनका दड़बा देखो कितना गंदा हो रहा है, बिल्कुल गंदा कर रखा है इन्होंने। मैं वैसे बाहर ही छोड़ता हूँ, लेकिन फिर भी गंदा है। तो चलो भाई मिट्टी को ना उलट पुलट करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारी मिट्टी को निकाल के एक बार सुखा दूँ, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें होगी, कीड़े वगैरह कई सारी चीज़ें होगी, सब निकल जाएगी इसमें से। और ये देखो भाई इसमें से कीड़े मिल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। हाँ भाई खाओ कीड़े, इन्हें बहुत मज़े आ रहे हैं इसमें। वैसे ये सही है कि ये खुद ही कीड़े बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। और ये देखो भाई मेरे पीछे लगा रहता है भाई, जब देखो जहाँ जाता हूँ मैं मेरे पीछे पीछे आता है। इसको लगता है मैं इसको खाना देने वाला हूँ भाई। देखो अभी भी मेरे हाथ में खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़े से दे के देखता हूँ भाई। ये ले थोड़े बहुत खा ले भाई। अरे खा ले भाई, अरे खा रहा है, ठीक है, ये जानता है भाई। ये देखो फिर से पीछे पीछे। तो एक काम करी इस मिट्टी में खेल भाई, इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो मिट्टी सूखने के बाद मैंने यहाँ पर बिछा दी सारी की सारी मिट्टी, और अब पहले से ज़्यादा ठीक हो गया, थोड़ा बदबू वगैरह सब चली गई है। आ जाओ भाई थोड़ा नहाने का टाइम हो गया, इधर इधर थोड़ा नहा लो भाई, फ्रेश फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी साफ़ सफाई चल रही है अभी। तो ये है हमारा शाम का दिन, और इनको उतारने के लिए ना मुझे पहले ये लगाना पड़ता है भाई, क्योंकि वो फट्टा बहुत ज़्यादा छोटा है। आ जा भाई नीचे, क्या हो गया। तो खाने में आज मैं इनको दे रहा हूँ रोटियाँ, पानी में पहले से भिगो के रख रखी है, और मैं ज़्यादातर इनको ताज़ी रोटियाँ ही देता हूँ। वैसे भी कोई सी भी रोटी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खा लेते हैं, उनमें ज़्यादा ही प्रोटीन मिलता है अगर बासी रोटी होती है तो। लेकिन मैं ताज़ी दे देता हूँ इनको। और अभी देखो पहले से ज़्यादा कितने बड़े हो चुके हैं भाई ये। सच में पहले तो बहुत छोटे छोटे थे, अब तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। बाकी एक बार कोशिश करते हैं कि कोई आएगा भाई खाने के लिए। ओहो ये भी जान पहचान भाई, सारे ही आ रहे अब तो। वैसे भी आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं खाना ले रहा हूँ ना। तो ये देखो भाई कितने बड़े हो चुके हैं, और ये ब्लैक वाला जो ना पहले इतना छोटा था, और जो ये वाला है, ये वाला भी पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया है। और ये वाली मुर्गी, ये सारी ही मुर्गी लग रही है मुझे, ये भी देखो कितनी छोटी थी, अब बड़े हो गए भाई।
और हाँ, इसके भी बाल आने शुरू हो गया है। मुझे लग रहा था कि बीमार है, लेकिन नहीं भाई, ये ठीक होना शुरू हो गया। दिखाता हूँ मैं, देखो ऐसे बाल नहीं फर होते, इसके फर सफेद हो रहे हैं धीरे धीरे। चलो ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा, पर पहले देखो कितना छोटा सा था, क्यूट सा था ये। ओके, तो अभी मैं आया हूँ लकड़ी की दुकान पे। भाई कितनी सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ से मुझे लकड़ी लेनी है अपने दड़बे के लिए। और देखो हमारे पास लकड़ियाँ आ चुकी है, दुनिया भर की लकड़ियाँ। तो ये सारी की सारी दड़बे में काम आएगी। बाकी सारा सामान आ चुका है, जालियां नहीं आई अभी। और ईद के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ ये सारा काम। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी ऐसे ब्लॉग डालूं। मेरे पास अभी मुर्गियां कम है, मैं कोशिश करूंगा कि नई नई चीजें और भी लाऊं और फिर जल्दी जल्दी वीडियो डालूं। तो आगे आने वाले टाइम में रेगुलर वीडियो भी आने वाली है।